Today we will revise all the previous exercise and this is checkpoint 2. Let's revise. क्या मतलब है इसका let's revise? अब बार बार आएगा, अब याद रखिएगा, जब भी हम कोई काम करने जाते हैं हम कहते हैं let's do it, आओ ये करते हैं, let's revise, या फिर चलो पढ़ते हैं, let's read, या फिर लिखते हैं, let's write. क्या मतलब है? चलो जी लिखते हैं, चलो ये काम करते हैं, चलो वो काम करते हैं, let's go. Let's move to another page. It means turning the page. Okay? Now you have understood? Let's. अब हम क्या करने जा रहे हैं? Let's revise. Repeat with me. Let's revise. Change the tense of the sentences. Change करना है tense को. वैसे simple tense, three type के tense होते हैं. एक present. एक past. और एक फ्यूचर. फ्यूचर के अंदर जी विल आता है, आई विल बिकम अ डॉक्टर, ठीक है, और इसमें फर्स्ट फॉर्म आती है, आई विल गो टू माय आंटीज हाउस, शी विल गो टू हर आंटीज हाउस, ठीक है. यहाँ पे जैसे अब वाज आता है और वर आता है और सेकंड फॉर्म भी आती है. जब हम सिंपल पास्ट की बात करते हैं तो सेकंड फॉर्म और इज आर एम इसके अंदर आता है, पास्ट ये प्रेजेंट के अंदर इज आर एम, आई एम गोइंग टू माय अंकल्स हाउस, ओके, शी वाज गोइंग टू हर आंटीज हाउस, शी वेंट टू हर आंटीज हाउस, सेकंड फॉर्म, ओके, और इसके अंदर फर्स्ट फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. जैसे कि प्रेजेंट है और मैं कहती हूँ शी गोज टू स्कूल एवरी डे, और अगर पास्ट अगर दे है तो दे के लिए हम प्रेजेंट में क्या कर देंगे, चेंज लाएंगे, दे गो टू, क्योंकि उसके साथ एस और यस नहीं लगता, दे गो टू स्कूल एवरी डे. और अगर पास्ट होगा तो क्या कहेंगे, गो की सेकंड फॉर्म लगेगी, वेंट, शी वेंट टू स्कूल, दे के साथ भी They went to school. Okay? Now, इसको change करना है हमने tense को. Change the tense of the sentences below. यहाँ पे जो below का क्या मतलब होता है, नीचे जो दिए गए हैं, to the tense given in the brackets. जो कि brackets के अंदर है, इसके according हमने इनकी टेंस चेंज करना है. One has been done for you. क्या done किया उन्होंने? He watched his favorite team get bowled out of the tournament. Get bowled out of the tournament. अच्छा, get का यूज़ आपको वैसे आना चाहिए, लेकिन मैं यहाँ पर छोटा सा बता देती हूँ. Get, जैसे आप कहते हैं ना, get me a glass of water, get me something, I will get the pen today, इसका मतलब है मैं आज पेन लूँगी, या I will get my copies today, और आई विल गेट माई बुक्स टूडे, यानी आज मैं परचेज करूँगी, आई विल बाय माई बुक्स टूडे. और आप किसी से पूछते हो वेयर हैव यू गॉट दीज थिंग्स, कहाँ से ली हैं, वेयर हैव यू गॉट, तो गॉट की सेकेंड फॉर्म, गेट की सेकेंड फॉर्म क्या है, गॉट, और थर्ड फॉर्म क्या है, गॉटन. लेकिन गेट के बाद अगर हम एक थर्ड फॉर्म लगा दें तो ये क्या बन जाता है, कि वो थर्ड फॉर्म एज एडजेक्टिव यूज़ होती है. गेट इट डन, जैसे आप कहते हो कि ठीक करवाओ, आपकी कोई चीज़ ख़राब हुई हुई है, पंखा ख़राब हुआ हुआ है, तो आप कहते हो गेट इट रिपेयर्ड, गेट इट रिपेयर्ड, इसको ठीक करवाओ. या फिर आप कहते हो कि कपड़े गंदे हुए हुए हैं और इनको वॉश करवाओ, तो आप किसी थर्ड पार्टी से, थर्ड बंदे से वॉश करवाने जा रहे हो, तो आप इसको कहोगे गेट इट वॉश्ड. अब यहाँ पे इसका कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है कि हम पास्ट में कह रहे हैं, प्रेजेंट में कह रहे हैं, गेट इट वॉश्ड किसी से करवाना है, आपने कहना है गेट इट वॉश्ड. इसको आपने कन्फ्यूज़ नहीं करना कि ये क्यों थर्ड फॉर्म या सेकेंड फॉर्म हमने यूज़ किए. अब आप कहते हो कि इसको ठीक करवाओ या इसको वॉश करवाओ या इसको, अब एक बच्चा है बहुत शरारतें कर रहा है और आप कहते हो कि इसको ज़रा पटाई लगवाओ, लगवाओ इसको पटाई, गेट हिम बीटन,
गेट हिम बीटन, क्या मतलब है? बीट करवाओ. बीट फर्स्ट फॉर्म है, बीटन सेकेंड फॉर्म है. बीट बीट बीटन, इसको पढ़ते बीट ही हैं और स्पेलिंग भी इसकी वैसे ही होती हैं. बीट बीट बीटन, बीटन इज़ द थर्ड फॉर्म. तो गेट का यूज़ आपको मैंने थोड़ा सा यहाँ पे बता दिया है कि यहाँ पे क्यों आया. गेट बाउल्ड आउट ऑफ द टूर्नामेंट, कि वो आउट हो गया. ठीक है. ही विल वॉच हिज फेवरेट टीम. यहाँ पे उन्होंने क्या कहा था, फ्यूचर में चेंज करें, तो इसको तो हम चेंज नहीं करेंगे ना, क्योंकि ये तो हमने एज एन एडजेक्टिव यूज़ किया है. अब है अलीना इज़ रीडिंग द बुक शी बोरोड फ्रॉम द लाइब्रेरी. बोरो करने का क्या मतलब होता है? जब आप थोड़े दिनों के लिए किसी से कोई चीज़ लेते हो तो आप कहते हो मैंने ये बोरो की है. क्या की है? बोरो. बोरो की सेकेंड फॉर्म बोरोड. बोरो यहाँ तक जो है वो फर्स्ट फॉर्म है. अगर ई डी लगा देंगे तो बोरोड हो जाएगा, यानी किसी से कोई चीज़ थोड़े दिनों के लिए ले लेना. अब क्या है, आप कभी किसी से चीज़ बोरो करते हो? यस. लेकिन उसको उसी तरह वापस किया करें. कई बच्चों की बहुत बुरी आदत होती है, किसी से कोई चीज़ बोरो करते हैं उसके बाद उसका बेड़ा गर्क कर देते हैं. सो यू शुड बी केयरफुल अबाउट द थिंग्स ऑफ अदर पीपल. दिस इज़ यू नो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू. अलीना इज़ रीडिंग द बुक शी बोरोड फ्रॉम द लाइब्रेरी. फ्यूचर कॉन्टीन्यूस में चेंज करना है तो आपको पता है कि फ्यूचर कॉन्टीन्यूस में क्या आता है, यानी विल और शैल और कॉन्टीन्यूज में फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी. जैसे आप कहते हो फ्यूचर, फ्यूचर टेंस की बात करते हैं तो हम कहते हैं आई विल गो टू माई आंटीज हाउस. आई विल गो, ठीक है. तो फ्यूचर टेंस में क्या आएगा? आई विल बी गोइंग. क्या आएगा? आई विल बी, ये याद रखिएगा, विल बी और फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी. जो भी होगा, स्विम होगा तो स्विमिंग, राइट होगा तो राइटिंग, और अगर आप रन कर रहे हैं तो रनिंग, और अगर जंप कर रहे हैं तो सब के साथ आई एन जी आई एन जी आई एन जी आई एन जी, और सब के साथ विल बी विल बी विल बी विल बी विल बी. ओके. समटाइम आई के साथ शैल भी लगता है, लेकिन अब जो रूल है ना उसके अकॉर्डिंग आप विल बी भी लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है. अलीना इज़ रीडिंग द बुक शी बोरोड फ्रॉम द लाइब्रेरी. अलीना विल बी, पूरा आप लिखेंगे, मैंने तो थोड़ा लिख दिया ना. अलीना विल बी रीडिंग द बुक. अलीना विल बी रीडिंग द बुक शी बोरोड फ्रॉम द लाइब्रेरी. बाकी सारा वही आएगा, फ्यूचर कॉन्टीन्यूज में ये चेंज हो जाएगा. माई टीचर सस्पेंडेड मी. सस्पेंड करने का क्या मतलब होता है? निकालना किसी को फ्रॉम कराटे प्रैक्टिस फॉर अ वीक. कराटे खेले हैं कभी? कराटे के अंदर बच्चे खेलते हैं, बड़ा इन्जॉय करते हैं, और ये बहुत अच्छा गेम भी है. बट फॉर द लिटिल किड्स आई विल नॉट रिकमेंड बिकॉज समटाइम्स इट कैन हर्ट यू. ओके. प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस में क्या लिखेंगे? प्रेजेंट के अंदर इज आर एम आता है और फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी. जैसे हमने इसके साथ विल यूज़ किया था ना, और विल बी के साथ गोइंग यूज़ कर लिया था. अब इसके अंदर क्या आएगा? इज आर एम और गोइंग, बाकी सारा वही. सिर्फ इसके अंदर क्या आएगा? इज आर एम. प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस के लिए इज आर एम यूज होता है. माई टीचर सस्पेंडेड मी फ्रॉम कराटे प्रैक्टिस फॉर अ वीक. क्या आएगा? माई टीचर इज सस्पेंडिंग मी. इज सस्पेंडिंग मी. ओके. आई हैव बीन लर्निंग हाउ टू स्विम एट द रिक्रिएशनल सेंटर फॉर अ मंथ. रिक्रिएशनल सेंटर कौन सा होता है? जहाँ पे आप रिलैक्स करते हैं, मज़े करते हैं. अब आप घर पे मज़े कर रहे हो, हर वक्त घर पे बैठे रहते हो. यू आर नॉट गोइंग टू स्कूल, यू आर जस्ट हैविंग द रिक्रिएशनल हॉलीडेज इन योर होम. तो रिक्रिएशनल टाइम कौन सा होता है? जिसमें आप बस इंजॉय कर रहे होते हैं. बट यू शुड ऑल्सो स्टडी एंड यू शुड फिक्स द टाइम फॉर योर स्टडीज. ओके. आई हैव बीन लर्निंग, मैं लर्निंग कर रही हूँ हाउ टू स्विम. क्या लर्न कर रही हूँ? कि स्विमिंग कैसे की जाती है. एट द रिक्रिएशनल सेंटर फॉर अ मंथ. जहाँ पे चीज़ें सिखाते हैं ना फन के लिए, रिक्रिएशनल सेंटर पे रनिंग सिखाते हैं जी, और थोड़ा सा फ्लाइंग करना भी सिखाते हैं. डिफरेंट होते हैं ना रिक्रिएशनल सेंटर. तो इसको किस में करना है? पास्ट कॉन्टीन्यूज में. पास्ट में वॉज वर्ब लग जाएगा और फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी. दैट्स सो सिंपल. पास्ट कॉन्टीन्यूज में क्या लगेगा? पास्ट
कॉन्टी न्यूज में वॉज वर और फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी. दिस इज सो सिंपल. प्रेजेंट के अंदर इज आर एम, इज आर एम और फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी. पास्ट के अंदर वॉज वर फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी. और फ्यूचर में विल बी, शैल बी और फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी. द सेम रूल्स आर अप्लाइड टू दिस थ्री टेंसेस. इसमें पास्ट कॉन्टिन्यूज करना है. आई हैव बीन लर्निंग हाउ टू स्विम एट द रिक्रिएशनल सेंटर. आई वॉज लर्निंग. क्या आएगा? आई के साथ वॉज लग जाएगा. वर तो नहीं लग सकता ना, ये तो एक बंदा है. तो अगर ज़्यादा होते तो दे वर लर्निंग. क्योंकि ये एक है इसलिए कहेंगे आई वॉज लर्निंग हाउ टू स्विम एट द रिक्रिएशनल सेंटर फॉर अ मंथ. अच्छा, कोशिश करिएगा आप इसके भी पाँच सेंटेंस बनाने हैं. इसके कोई डिफरेंट पाँच सेंटेंस बनाएं और जो फ्यूचर कॉन्टिन्यूज है उसके भी फाइव डिफरेंट सेंटेंसेज बनाएं. देन यू विल हैव अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस एंड आफ्टर प्रैक्टिस यू विल बिकम मास्टर एट दीज थिंग्स. मैच द सब्जेक्ट्स इन कॉलम ए टू द करेक्ट प्रेडिकेट इन कॉलम बी. ये प्रेडिकेट के साथ मैच करना है. द हैप्पी कैट कैसे मैच करेंगे? ये सब्जेक्ट्स है ना. द हैप्पी कैट हेल्प्ड आउट द पुअर एट द शेल्टर. ये तो नहीं हो सकता. लिफ्ट द सॉसर ऑफ मिल्क क्लीन. ऐसे जुबान से चाटना, उसको क्या कहते हैं? लिख करना. जैसे आपने एक वो उसमें ऐड में भी पढ़ा है, पहले लिख करें फिर डिप करें. नहीं, पहले डिप करें फिर लिख करें. वो देखा है ना, एक बिस्किट बनाने वाले, वो जो उन्होंने एक बड़ा प्यारा सा ऐड बनाया. तो लिख करने का क्या मतलब है? ज़ुबान से चाटना. इसको क्या कहते हैं? लिख करना. जैसे वो कहते हैं पहले डिप करें. एक कप है तो ये बिस्किट उठा के पहले डिप करें फिर लिख करें. ओके. Then is licked the saucer of milk clean. बिल्कुल साफ कर दिया. saucer होता है ना, उसने ऐसे चाटा, लिक किया, बिल्कुल इधर कोई चीज़ नहीं रही, बिल्कुल क्लीन हो गया. ओके. जैसे ये saucer क्या होता है? पिरच जो होती है वो, जिस प्याली के साथ वो आप छोटा सा इस तरह का होता है ना, उस प्लेट के अंदर डालते हैं चाय और फिर पीते हैं. तो saucer को उसने, वैसे प्लेट को भी कहते हैं saucer. We helped out the poor. हमने क्या किया? पुअर बंदे की हेल्प की एट द शेल्टर. शेल्टर कौन सी जगह होती है? जहाँ पे लोग, बेआसरा लोग आए हुए होते हैं, बैठे हुए होते हैं, जिनका घर नहीं होता. और आप देखें, यू आर वेरी लकी, यू हैव योर ओन हाउस, यू आर हैविंग द शेल्टर. यू आर हैविंग द शेल्टर. शेल्टर क्या होता है? कि जहाँ पे आप बिल्कुल सेफ होते हैं, शेल्टर. तो होम आपके लिए क्या है? शेल्टर. तो अल्लाह ने आपको इतना अच्छा यानी शेल्टर दिया हुआ है, कंफर्ट दी हुई है. हर वक्त अल्लाह को याद किया करें. ओके. साहिरा द गर्ल हु वन द शील्ड. उसने क्या किया था? वी के साथ हमने मैच कर दिया ना, वी हेल्प्ड आउट द पुअर. पढ़ा करें और समझा करें और ख़ुद मैच किया करें. अब इसके साथ क्या मैच करेगा ज़रा पढ़ें. साहिरा नेम है गर्ल का. द गर्ल हु वन द शील्ड, जिसने जीती है शील्ड. वन किसको कहते हैं? जब आप कोई चीज़ विन करते हैं ना, तो उसकी सेकेंड फॉर्म वन होती है, जीतना जिसको कहते हैं. सम यू नो, व्हेन यू गॉट फर्स्ट पोजीशन इन क्लास यू वन द ट्रॉफी. ओके. यू विन द ट्रॉफी. एंड जब आपने एक पहले ले ली है तो आप कहेंगे आई वन द ट्रॉफी इन माई प्रीवियस एग्जाम्स. पिछले एग्जाम्स में मैंने ली थी, तो आप कहेंगे आई वन द ट्रॉफी, क्योंकि वो पास्ट है, वो गुजर गया. साहिरा द गर्ल हु वन द शील्ड इज द स्मार्टेस्ट गर्ल इन द क्लास. क्योंकि स्मार्टेस्ट लड़कियाँ ही जो है वो कामयाब होती हैं ना. अब यहाँ पे स्मार्टेस्ट का मतलब ये नहीं है कि बड़ी स्मार्ट है, थिन है और बड़ा अच्छा बॉडी वाइज स्मार्ट है. इट इज़ स्मार्टेस्ट बाय माइंड. ये माइंड की बात कर रहे हैं कि बहुत ज़हीन है, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है. स्मार्टेस्ट कौन बंदा होता है? जो इंटेलिजेंट होता है, जिसका माइंड बड़ा तेज़ काम कर रहा होता है. और वैसे ज़रूरी नहीं है कि माइंड ज़्यादा काम नहीं कर रहा तो आप स्मार्ट नहीं हो सकते. यू कैन बिकम स्मार्ट बाय वर्किंग हार्ड, बाय लर्निंग द लेसन्स. ओके. देम गिव द आइस क्यूब्स टू देम. अब पहला सेंटेंस यहाँ पे लिखा हुआ है इसलिए आप कन्फ्यूज़ नहीं हो. गिव द आइस क्यूब्स. आइस क्यूब्स क्या होते हैं? छोटे छोटे बर्फ़ के टुकड़े होते हैं. गिव द आइस क्यूब्स टू देम, यानी उनको दे दो. दे से निकला है ना.
ज़्यादा सारे बंदे अगर आपके पास खड़े हैं ना, उनको फिर कहते हैं देम, गिव इट टू देम। जैसे आप कहते हो कि ये टिश्यू पेपर उनको दे दो, ये चार पांच हैं सबको एक एक करके दे दो। डिस्ट्रीब्यूट द टिश्यू पेपर्स अमंग देम या गिव इट टू देम। कोई चीज़ खाने की आप कहते हो कि ये उनको दें, तो आप कहते हो गिव इट टू देम, गिव द डिश टू देम। ओके, नाउ यू हैव अंडरस्टूड हाउ टू चेक पॉइंट। इसको अच्छा सा आपने करके और इसकी एक पिक बनानी है और व्हाट्सएप नंबर पे सर एहतशाम को आपने भेज देना है। ओके, दैट्स गुड, ही विल चेक आउट द होल